Okay. Good morning, students. So today we'll do the new chapter, that is emerging modes of business. Previously we have done completed our fourth chapter. Now this is our fifth chapter, which is emerging modes of business. So beta, is chapter mein we'll study about the new mode of business. Business ke baare mein hume pata hai, what is business. Now under this chapter hum kya karenge, business ka ek aur level, like बिजनेस में अमर्जिंग मोड्स, नया मोड क्या है बिजनेस का, विच इज बेसिकली द ई बिजनेस, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस. सो हियर इज द डेफिनेशन, विच इज इट रेफर्स टू द कंडक्टिंग ऑल द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्क. एंड वट इज दैट कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट. दिस इज इंटरनेट. सो हमें पता है आजकल हम इंटरनेट के थ्रू सारा काम करते हैं, ठीक है. तो बिजनेस जो वो है वो भी आजकल इंटरनेट के थ्रू अपनी क्या कर रहा है, अपनी पहचान बना रहा है. सो ई बिजनेस में क्या आता है बेटा, बेसिकली ई बिजनेस में हम करते हैं अपनी सारी बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं थ्रू वन मीडिया. एंड व्हाट इज दैट मीडिया, दैट मीडिया इज आर कंप्यूटर नेटवर्क, विच इज आर इंटरनेट. क्लियर. सो ई बिजनेस की डेफिनेशन क्लियर है, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज. नाउ आई टेल यू अबाउट द कमर्शियल एक्टिविटीज. व्हाट आर कमर्शियल एक्टिविटीज? बेसिकली कमर्शियल एक्टिविटीज इज सिंपल, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स को परचेज करना, सेल करना थ्रू द मीडिया इंटरनेट, दैट इज कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ ई बिजनेस. अब बेटा इस चैप्टर में हमारे पास आएंगे दो टॉपिक, दो हमारे पास इसमें टर्म्स हैं. फर्स्ट इज ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. तो ये दोनों टर्म्स अगर हम देखते हैं तो ये हमको एक सिमिलर टाइप की ही दिखती हैं, ठीक है. वी रिजेंबल दम एज अ सिमिलर टाइप, ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. लेकिन इसमें बहुत बड़ा फर्क है. एंड वट इज दैट डिफरेंस? दैट डिफरेंस इज ई बिजनेस इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट एंड ई कॉमर्स इज अ वाइडर शॉर्ट कंसेप्ट. वाई सो? बिकॉज अंडर ई बिजनेस there are involved, e-business involve industrial and commercial activities. Commercial activities I told you, what are the commercial activities, theek hai. And industrial activities matlab buying and selling ke ilawa jo business mein activities hoti hain, like finance ki activities, production ki activities, HR ki activities. To ye sari activities involve hoti hain industrial activities mein. तो ई बिजनेस क्या करता है बेटा, परफॉर्म करता है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज को. वेयर एज ई कॉमर्स क्या करता है, ई कॉमर्स कंडक्ट करता है ओनली कमर्शियल एक्टिविटीज. अंडर ई कॉमर्स सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, विच इज बाइंग एंड सेलिंग. एक गुड्स को परचेज करना और उसको सेल करना, दैट कम्स अंडर द कमर्शियल एक्टिविटीज. सो दिस इज आर टू ब्रॉड टर्म्स जिसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ इस चैप्टर में, विच इज ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज स्कोप ऑफ बिजनेस. ये टॉपिक आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कोप ऑफ ई बिजनेस. अब ई बिजनेस का स्कोप क्या है, क्लियर. तो बेटा इसमें स्कोप में हम लिखते हैं कि जो हमारा ई बिजनेस है, हमने बोल दिया ई बिजनेस क्या है, न्यू इरा का वन ऑफ द मोड है, एक ऐसा मीडिया है, एक नया मोड है बिजनेस का, जहां पे हम क्या करते हैं अपना बिजनेस करते हैं. कैसे करते हैं? थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट. नाउ अब इसके स्कोप्स क्या हैं? स्कोप्स में बेटा हम लिखेंगे सबसे पहले बी टू बी कॉमर्स, क्लियर. बी टू बी कॉमर्स विच इज बिजनेस टू बिजनेस. नाउ व्हाट इज दिस बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स? अब इसमें मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूं. एग्जाम्पल इसमें आएगी बेटा, अज्यूम योरसेल्फ अ प्रोड्यूसर. अपने आप को अज्यूम करो कि आप मैन्युफैक्चरर, आप कोई बिजनेस परफॉर्म कर रहे हो और आप किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हो. तो उसके लिए आपको सबसे पहले रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है. तो रॉ मटेरियल आप कहाँ से परचेज करते हो? अपने सप्लायर से परचेज करते हो, क्लियर. तो एक है सप्लायर एंड द सेकेंड वन इज प्रोड्यूसर, यू कैन से मैन्युफैक्चरर. ओके, नाउ बी टू बी कॉमर्स में क्या होता है बेटा? बी टू बी कॉमर्स में देर आर टू पार्टीज विच आर इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ कॉमर्स. विच आर दोज पार्टीज? दोज बोथ दी पार्टीज आर द बिजनेस पर्सन. दोनों ही क्या है? बिजनेस पर्सन है. पहला होता है सप्लायर एंड सेकेंड है प्रोड्यूसर, क्लियर. मतलब इसमें क्या हो रहा है, बी टू बी कॉमर्स हो रहा है इन विच एक सप्लायर और प्रोड्यूसर की आपस में क्या हो रही है, ट्रांसैक्शन हो रही है. इस ट्रांसैक्शन को हम कहेंगे बी टू बी, विच मीन्स बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स. और ये ई बिजनेस में क्यों आता है? क्योंकि आजकल सप्लायर एंड प्रोड्यूसर्स की जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो भी थ्रू द मीडिया ऑफ इंटरनेट ही हो रही हैं,
क्लियर। सप्लायर है थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट क्या करता है, प्रोड्यूसर को रीच करता है और प्रोड्यूसर से अपना जितना भी उसको मटेरियल चाहिए उसकी क्वांटिटी लेता है, एंड प्रोड्यूसर भी क्या करता है वैसे सेम सप्लायर को क्या करता है, रीच करता है थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट। सो फर्स्ट स्कोप ऑफ द ई बिजनेस इज B2B कॉमर्स। बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्यों, अब सप्लायर और प्रोड्यूसर अगर जब ये B2B कॉमर्स करते हैं थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट तो क्या होता है, इनका काफ़ी सारा टाइम क्या हो जाता है, सेव हो जाते हैं। क्लियर। द सेकेंड स्कोप इज B2C कॉमर्स। नाउ व्हाट इज दिस B2C कॉमर्स? B2C मीन्स बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर। नाउ इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं। Amazon, Club Factory, ये क्या है बेटा, बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कंज्यूमर। यहाँ पे क्या होता है, Amazon और Club Factory सेम दो पार्टीज हैं, वन पार्टीज इज अ बिजनेस फर्म, कोई बिजनेस फर्म है, एंड सेकेंड पार्टी कौन है, कस्टमर। क्लियर। लाइक Amazon में हम क्या करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, क्लब फैक्ट्री में गुड्स परचेज करते हैं, ऐसी काफ़ी सारी हमारी ऐप्स हैं जहाँ से हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं अपने गुड्स को, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है बेटा, बिजनेस पर्सन किसके साथ कॉन्टैक्ट करता है, कस्टमर के साथ, और कस्टमर और बिजनेस का, बिजनेस पर्सन का कॉन्टैक्ट होता है। सो दिस इज अ B2C कॉमर्स वेयर देर आर टू पार्टीज, वन पार्टी इज अ बिजनेस पर्सन एंड सेकेंड पार्टी इज ए कस्टमर। क्लियर। नाउ इसी स्कोप के अंदर हम इसका थर्ड स्कोप पढ़ेंगे, विच इज इंट्रा बी बिजनेस, वी कैन से इट इज इंट्रा बी कॉमर्स। नाउ व्हाट इज दिस इंट्रा बी कॉमर्स? तो हमने पहले पढ़ा, एक पढ़ा हमने विच इज B2B बिजनेस टू बिजनेस, सेकेंड हमने पढ़ा विच इज B2C बिजनेस से कस्टमर के पास। नाउ इट इज इंट्रा बी। नाउ व्हाट इज इंट्रा बी? इंट्रा बी में क्या होता है बेटा, इंट्रा का मतलब विद इन द बिजनेस, बिजनेस के अंदर ही। वी नो बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है हमारा, फाइनेंस डिपार्टमेंट है हमारा, HR डिपार्टमेंट है, दीज आर द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विच आर अंडर द बिजनेस। क्लियर। बिजनेस के अंदर ये सारे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब इन डिपार्टमेंट्स के भी अंदर क्या होता है बेटा, ये डिपार्टमेंट जितना बड़ा बिजनेस होता है उतना ही उसका क्या होता है, एरिया बड़ा होता है ना। तो जितना बड़ा बिजनेस है उतना बड़ा एरिया है और उतने ही उसके डिपार्टमेंट्स क्या है, ह्यूज में है। क्लियर। उनका एरिया भी ह्यूज होगा। तो इंट्रा बी कॉमर्स में क्या होता है बेटा, दो डिपार्टमेंट्स एक ही कंपनी के, दो डिपार्टमेंट्स आपस में क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं। लाइक एग्जांपल, इट इज़ अ ABC कंपनी, कोई भी ABC कंपनी है, ABC कंपनी के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से किसी चीज़ की ट्रांजैक्शन की है बेसिकली, तो थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट, तो वो हमारा किस कॉमर्स में आता है, इट इज़ इंट्रा बी कॉमर्स। क्लियर। सो प्रोडक्शन, फाइनेंस, HR, दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स अंडर द बिजनेस, और इंट्रा बी कॉमर्स क्या कॉमर्स हो गया, जहाँ पे विद इन द बिजनेस के जो दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं आपस में क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। नाउ द फोर्थ वन इज बेटा C2C। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूं। यू हैव नोन अबाउट हर्ड अबाउट द ऐप दैट इज OLX। सॉरी, OLX के बारे में आप लोगों ने सब सुना होगा। तो OLX क्या है बेटा? OLX एक ऐप है, यू नो अबाउट। नाउ व्हाट इज C2C कॉमर्स? इट इज कस्टमर टू कस्टमर, वेयर देर आर टू पार्टीज एंड बोथ द पार्टीज आर द कस्टमर, विच मीन्स यहाँ पे कोई बिजनेस इन्वॉल्व नहीं है, दोनों ही पार्टी क्या है, कस्टमर है। और इसकी एग्जाम्पल क्या है हमारा, OLX ऐप। यहाँ पे क्या किया जाता है बेटा, यहाँ पे क्या होता है, एक पर्सन हो, लाइक एग्जाम्पल ए एंड बी पर्सन है, ए पर्सन है, उसने क्या किया, उसने अपने घर पे कोई चीज़ क्या करनी है, बेचनी है, सेल करनी है, ठीक है। अब बी पर्सन है, उसने उसी सेकेंड हैंड चीज़ को परचेज करना है, तो वो क्या करते हैं, ऐसी ऐप्स में वो चीज़ को पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, एक कस्टमर है, वो दूसरे कस्टमर के साथ डीलिंग कर रहा है, यहाँ पे कोई बिजनेस फर्म इन्वॉल्व नहीं है। क्लियर।
सी टू सी कॉमर्स। और ये क्यों पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही इसीलिए है बिकॉज ऑफ द न्यू मोड और अमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस विच इज आर ई बिजनेस। क्लियर? सो दीज आर द स्कोप ऑफ ई बिजनेस जो मैंने आप लोगों को चार कराए हैं, बी टू बी, बी टू सी, इंट्रा बी एंड सी टू सी। क्लियर? सेम चैप्टर विच इज एडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस। नाउ ऑब्वियस है, ई बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है, टाइम कम लगता है। क्लियर? इसमें इजीली अवेलेबल है, डिफरेंट देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्स जहाँ पे हम जाके क्या कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज बेनिफिट्स और एडवांटेजेस, दीज आर द सम ऑफ द एडवांटेजेस विच कैन यू स्टडी अबाउट और राइट अबाउट। फर्स्ट इज द ग्लोबल रीच। नाउ व्हाट इज ग्लोबल रीच? ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट हम इसको करते हैं, तो ऑब्वियस है ये ग्लोबल रीच कैसे, ग्लोबली ही रीच है इसकी। ग्लोबल रीच कैसे है इसकी? एक बेटा ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड में एक मार्केट प्लेस है, एक जगह है, एक शॉप है, वहाँ पे कस्टमर को पहले आना पड़ता है, तभी उन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होती है, तभी ट्रांजैक्शन होती है। बट इन केस ऑफ ई बिजनेस ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट प्लेस है लेकिन डिजिटल प्लेस है, वहाँ पे कोई भी कस्टमर कभी भी आ सकता है। क्लियर? और अपनी ट्रांजैक्शन कर सकता है। और ग्लोबल रीच अगर जो हमारी ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल अप्रोच है बिजनेस की, तो ऑब्वियस है अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में वो शॉप है तो उसी पर्टिकुलर एरिया का कस्टमर वहाँ पे आएगा। क्लियर? लाइक बठिंडा में है तो बठिंडा का कस्टमर आएगा, ठीक है, रोपड़ में है तो वहाँ का कस्टमर आएगा। बट इन केस ऑफ ई बिजनेस ऐसा नहीं है, ई बिजनेस में वर्ल्ड वाइड कहीं का भी, इंडिया किसी भी कंट्री का, अमेजोन में हम देखते हैं, क्लब फैक्ट्री में हम देखते हैं, हर जगह का, हर कंट्री का पर्सन क्या कर सकता है, रीच कर सकता है उस बिजनेस प्लेटफॉर्म को। क्लियर? सो दिस इज द ग्लोबल रीच एडवांटेज ऑफ द ई बिजनेस। नाउ सेकंड इज इजी फॉर्मेशन येट ऑल्सो। क्यों इजी फॉर्मेशन कैसे है? अगर हम एक बनाते हैं शॉप, परचेज करते हैं शॉप, अगर किसी ने बिजनेस शुरू करना है, फैक्ट्री बनाता है, शॉप करता है, एम्प्लॉयज हायर करता है, क्लियर, तो उसको फॉर्म करने के लिए उतना ही टाइम चाहिए और इतनी ही इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्लियर? बट ई बिजनेस के लिए हमें क्या चाहिए? सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हमें एप्स बनाने हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए। क्लियर? और हम इजीली अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? नाउ देन थर्ड वन इज लो इन्वेस्टमेंट, दैट इज ऑल्सो क्लियर। लो इन्वेस्टमेंट बिकॉज ई बिजनेस में एम्प्लॉयज का काम तो हमारा कंप्यूटर कर रहा है ना, येट होते हैं एम्प्लॉयज, क्लियर, लेकिन एक ही कंप्यूटर जहाँ पे हम नॉर्मल हम ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं वहाँ पे हमें 20 एम्प्लॉयज चाहिए, तो ई बिजनेस में उस 20 एम्प्लॉयज को की जगह हम सिर्फ 2 एम्प्लॉयज को हायर करते हैं। क्लियर? तो ये लो इन्वेस्टमेंट अपने आप है, प्लस हमें कोई भी फैक्ट्री, कोई पर्टिकुलर प्लेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो लो इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस। नाउ फोर्थ वन इज इजी लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट। नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एक पर्टिकुलर शॉप है, एक पर्टिकुलर मैनुफैक्चर है जो नॉर्मल ट्रेडिशनल मैथड से अपना बिजनेस कर रहा है, उसने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, क्लियर, उसने एक नया प्रोडक्ट बनाया, तो उस नया प्रोडक्ट को वो अपने एरिया में फैलाने के लिए क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को मार्केटिंग करेगा, है ना, हर जगह जाएगा, लेकिन फिर भी उसकी जो एरिया है वो लिमिटेड रहेगा बेटा, सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया तक ही लिमिटेड रहेगा। क्लियर? बट इन केस ऑफ ई बिजनेस जहाँ पे एक पर्सन एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेगा तो वो इंटरनेट के थ्रू वर्ल्ड वाइड लॉन्च होगा। क्लियर? उसकी इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड जाएगी, हर टाइप का कस्टमर, हर कंट्री का कस्टमर उस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ सकता है। क्लियर? नाउ दिस इज द एडवांटेज ऑफ ई बिजनेस। हम इजीली अपना प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं और वर्ल्ड वाइड लॉन्च कर सकते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ ई बिजनेस इज बेटा मूवमेंट्स टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। ऑब्वियस है, सारा काम हमारा थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट हो रहा है ना। पेपरलेस सोसाइटी मतलब हम जितनी भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसका बिल हमें ऑनलाइन थ्रू द मैसेजेस, टेक्स्ट, ईमेल की थ्रू आता है। क्लियर? तो ये सारी हमारी मूवमेंट है, ई बिजनेस वन इज अ मूवमेंट टुवर्ड्स द पेपरलेस सोसाइटी। क्लियर? नाउ द लास्ट एडवांटेज ऑफ द ई बिजनेस इज एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन। यस, ऑल्सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ ई बिजनेस, बिकॉज अगर एक नॉर्मल मैन्युफैक्चरर है तो बेटा वो नॉर्मल मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्लियर, लेकिन कस्टमर सीधा फैक्ट्री में नहीं आता है, वो किसके पास जाएगा, शॉपकीपर के पास जाएगा, तो कस्टमर के पास उसका सामान पहुंचने के लिए, मैन्युफैक्चरर का सामान पहुंचने के लिए उसको बीच में बहुत सारे मिडलमैन को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ ई बिजनेस ऐसा नहीं है, डायरेक्टली क्या करता है मैन्युफैक्चरर, अपने प्रोडक्ट को क्या, हाँ, थ्रू द डिजिटल मीडियम, डिजिटल प्लेटफॉर्म में डालता है और अमेजोन में डालता है,
आपके पता है आपको बहुत सारे क्लब फैक्ट्री है, शीन है, ये सब आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल मार्केट्स कह सकते हैं इनको, जहाँ पे अपना पर्टिकुलर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट डालता है और वहीं से कस्टमर सीधा उसको रीच करता है. क्लियर? सो दीज आर ऑल द एडवांटेजेस ऑफ वी बिजनेस. सो बस.